तो लो जी प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने पेपर का मिलान कर लो। देख सकते हो जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा पेपर आपका वैसा का वैसे ही परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सबको ये पता चल सके कि आपके इसमें से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। तो देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मैंने जैसा जिस प्रकार का बताया था वैसा का वैसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया परीक्षाओं में। आप सभी लोग यहाँ से इसका मिलान करके देख सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का गणित का पूरा पेपर है। जल्दी से हम इसका मिलान करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिस प्रकार के आपको मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा, पहले का राइट आंसर ये था बी नंबर का, और सेकंड का राइट आंसर आपका ए आ जाता, और तीसरे की बात करें तो इसका नवा पद जो होता 28 होता, और उसके बाद में देखिएगा चौथा जो क्वेश्चन लिखा था ना a1 a2 = b1 b2 और b1 b2 = c1 c2। तो देखिएगा इसका अनंत अनेक हल होंगे, ऐसा आपको लिख लेना था यहाँ पर। अब इसके बाद में देखिएगा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन था ना दो बिंदुओं, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख लेना था PQ = √2, इसका राइट आंसर होता। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना था। पांचवें जो क्वेश्चन लिखा ना किसी त्रिभुज ABC में DE = तो देखो इसका राइट आंसर जो था ना आपका ये आ जाता 4.5, इसका राइट आंसर होता। तो देख सकते हो यहाँ से मैंने आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझा दिए और बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो आप सभी लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी थी। पहला क्वेश्चन, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने 2। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या आबाज गुणनखंड के रूप में, तो देखो इसमें आपको अद्वितीय लिखना था, और तीसरे में आपका राइट आंसर आ जाता है -1, और चौथे में आपका समान आपको लिखना था। तो आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से इसको लिख कर भी आए होंगे। अब इसके बाद में देखिएगा पाँचवें क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ से आपको बराबर नोट कर लेना था। छठा क्वेश्चन जो लिखा ना, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान हो, देखो यहाँ पर क्या लिखना था आपको, समरूप आकृति। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये लिखा था, आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था ना आपको तीसरे नंबर पर, सत्य असत्य इसमें से बताने थे। पहला क्वेश्चन लिखा था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 4π r³, तो देखो ये होता है, तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य था, क्योंकि ये होता है 3π r² होता है। और इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाता आपका। और इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन लिखा ना ये भी आपका क्या होता, असत्य होता। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या होता, ये भी आपका असत्य होगा। और पाँचवें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका क्या होता, सत्य होता। और छठे की बात करें तो छठा भी आपका क्या होता, ये आपका हो जाता सत्य। तो ऐसे आप सब लोगों को इनको देख लेना था। और उसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर में आपसे जोड़ी पूछी गई थी, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले पूरा। तो देखो जोड़ी किस प्रकार से पूछी गई है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी कैसे बनानी थी आपको, पहला क्वेश्चन संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। x^2 - x - 12 के शून्य क्या होंगे, 1 होगा। sin²θ इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना था 1 - cos²θ से, और cot 30° का मान आपका आ जाता √3। उसके बाद में sec θ इसकी जोड़ के मिलान आ जाता है आपका 1/cos θ। उसके बाद में देखिएगा 1 + tan 0° और 2 इसके बाद में +cos 0° इसके मान आ जाता है आपका 3। तो ऐसे आप सब लोगों को इन क्वेश्चंस को देख लेना था। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा ना पहले नंबर का, इसका उत्तर यहाँ से आपको 0 लिख लेना था। दूसरे क्वेश्चन में आपका इसका उत्तर हो जाता 2x + 5y = 60। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। 101% जिस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है तीसरे नंबर का, समीकरण 2x^2 + 3x + 4 = 0 का विविधीकर का मान क्या होगा, -23। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ। पांचवा क्वेश्चन इसमें आपको 1 लिखना था। छठे नंबर का क्वेश्चन में 1/3 π r² इसका राइट आंसर होता। तो ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेना था और लिख लेना था जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 को देखो, 7 को देखो, 8 को देखो, 9 को देखो, 10 को देखो, और उसके बाद में 11, 12, 13 को देखो। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को देख लोगे। और 14वें क्वेश्चन को देखते हैं, 15वें को देखते हैं, 16वें को देखते हैं, 17वें को देखते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो यहाँ से A to Z क्वेश्चन जिस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं, पूरा का पूरा पेपर आपका वैसा का वैसे आया था, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था वैसा का वैसे परीक्षाओं में आपसे पूछा गया, तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लोगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे।
जिस प्रकार से मैंने आपको बताया पूरा का पूरा टोटली क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में ऐसा का ऐसे ही आपसे परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अब देखिएगा यहाँ से मैंने आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का मिलान करवा दिया। आशा करते हैं कि आपके सभी पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।